2019 में से सुंदरी नागपुर का ताज पाने वाली शहर की शीतल पाटिल, इन्होंने वर्तमान में छोटी मासूम बच्चियों के साथ होने वाली घटना का निषेध किया है। इस मौके पर उन्होंने सांस्कृतिक और आपराधिक घटना पर प्रकाश डाला। सन 2019 में मिसेस नागपुर का खिताब पाने वाली शहर की शीतल पाटिल, इन्होंने मिसेस नागपुर प्रतियोगिता और शहर के अन्य घटनाओं पर बात करते हुए कहा कि जीवन में कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। कड़ी मेहनत करने से खुशबू आती है, यह अच्छी बात है, लेकिन मासूम बच्चियों पर जो घटना हो रही है वो काफी चिंताजनक है। ऐसी जानकारी मिसेस नागपुर का ताज पाने वाली शीतल पाटिल इन्होंने इनबीसीएन समक्ष दी है। नागपुर शहर में टैलेंट्स वालों की कोई कम नहीं है। नागपुर में एक से बढ़कर एक ऐसे कलाकार है जो अपने जौहर दिखाकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। जी हाँ, हम बात करने चाह रहे हैं नागपुर के एक ऐसी महिला की जिन्होंने कम समय में अपना नाम नागपुर शहर के हर परिसर में लोगों को लेने के लिए मजबूर कर दिया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे शीतल पाटिल, जो कि 2019 की वो मिसेस नागपुर का ताज उन्हें बहाल हुआ है। इस समय हमारे साथ में मौजूद है शीतल पाटिल, आइए उनसे जानना चाहेंगे। शीतल जी, सबसे पहले आपका इनबीसीएन न्यूज पे हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच। शीतल जी, ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है जब आपको ये जो ताज से नवाजा गया, इसके बारे में आपने क्या कोशिश की थी और कितना समय लगा है सजने संवारने के लिए? कोशिश मेरी बहुत की थी, क्योंकि मैंने जो खुद को ग्रूमिंग के लिए सब किया था, खुद की ग्रूमिंग खुद की थी, और सजने संवरने के लिए उस दिन तो पूरा दिन ही कम पड़ गया था। और ये सब मिसेस नागपुर का ताज जीतने के बाद आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ मी, और मेरे हस्बैंड का इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला और मेरी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। मैम, आपके जैसा और भी जो शहर की जो महिलाएं जो छात्राएं हैं वो बनना चाहती है, मगर ये जो आपने जो एक ताज जो आपको जो मिला है और काफ़ी कड़ी मेहनत आपने किया है, कई दिक्कतों का सामना भी आपने किया होगा, क्या कहना चाहोगे ऐसे महिलाओं के लिए या विद्यार्थियों छात्राओं के लिए जो आपके जैसा बनना चाहता है? कितने पापड़ बेलना पड़ता है, कितनी मशक्कत होती है, क्या करना कर पड़ेगा? मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और डेफिनेटली सबने ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, और जिसकी भी इच्छा है इस तरीके के पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करने की, डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट करिए। उससे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको पॉपुलैरिटी भी बहुत मिलती है, और एक आपको एक जगह मिलती है समाज में जिससे आपको लोग अलग नज़रिए से देखना चालू करते हैं। मैम, कितनी तैयारी करना पड़ता है इसके लिए? तैयारियाँ काफ़ी करनी पड़ती है, खुद में कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, कैटवॉक और सेल्फ ग्रूमिंग, जो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस है वो आपके फेस पे दिखना चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो बात बने। मैम, कुछ लोग ऐसे होते कि अगर कुछ महिला अच्छी सुंदर दिखती है या कुछ संस्थी है संवारती है, तो कुछ ऐसे शहर के जो होते हैं असामाजिक तत्व, उन्हें वो अच्छा रास नहीं आता। अब जैसे कि शहर में आप देखिए कि आए दिन जो घटनाएं हो रही है, फिर तो वो तेजाब डालने की बातें हो या फिर वो बच्ची के असमत लुटने का, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके लिए हमको फैमिली में ही प्रॉपर अगर उनको ये दिया जाए, उनके अंदर कल्चर कल्टीवेट किया जाए कि आप आने सामने दिखने वाली लेडी का रिस्पेक्ट करें, उसको बुरी नज़र से ना देखें, वो बचपन से ही बातें बतानी चाहिए बॉयज़ को ताकि वो आगे वाली लेडी का रिस्पेक्ट करे। बिल्कुल, तो आपकी पाटिल मैडम जिन्होंने बखूर बेबा के साथ बात करते हुए ये कहा कि कोई भी महिला ने इस प्रकार की, चाहे सिगरेट पीना हो या फिर हो वाइन हो या तमाम ऐसे जो बातें हो, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेहत ही हमारी सही पूंजी होती है। पैसा काम नहीं आता, रिश्ते काम नहीं आते, मगर उस व्यक्ति का जिस सेहत है वो सेहत ही उसका स्वास्थ्य ही काम आता है। इसलिए शीत का ठंड का मौसम है, बेहतरीन व्यायाम प्राणायाम योगा करें और अपनी सेहत को मजबूत बनाएं, क्योंकि यदि हमारी सेहत मजबूत है तो यकीनन हमारा देश भी मजबूत है। नागपुर के सूरज भट्ट सभागृह से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।